I've fallen in love with I Love. I love. El bole, wow. ऐसे क्या देख रहे हो? सोच रहा हूँ तुम्हारी आंखों में कैसे खो जाऊं। ओहो, शायर बन गए हो। इतनी खूबसूरत अप्सरा को सामने देखकर कोई भी शायर तो बन ही जाएगा। अच्छा, तुम्हें देखे बिना 8 महीने गुजारे हैं। एटलीस्ट 8 घंटे तो तुम्हें देखकर गुजार लूं। लेकिन शायर जी, मैं अभी और 80 साल आपके साथ रहूंगी, तो मुझे आराम से देख लेना, अभी सो जाओ। हे तनु, तनु लाइट ऑन करो ना प्लीज। नहीं करूंगी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ। इतनी जल्दी नींद आ रही है? प्लीज भरत, तुम्हारे पापा ने हमें ये घर गिफ्ट में दिया है, तो हमें भी तो उन्हें एक बेबी गिफ्ट में देना चाहिए। आओ ना। तनु, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। भरत, बस 15 मिनट्स में नाश्ता रेडी हो जाएगा। नहीं नहीं तनु, मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। भरत प्लीज, 2 मिनट रुको ना, मैं अभी लेकर आई। बाप रे, कितनी जल्दी में रहते हो, ये लो। बहुत स्वीट है। पागल, ये तो स्वीट ही है ना, तुम खाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। तनु तनु, जो पसंद नहीं है वो तुम जबरदस्ती देती हो, और जो पसंद होता है वो जानबूझकर नहीं देती। एक बार तो दो ना। क्या दूं? एक किस तो ना। इन सब के लिए टाइम है, नाश्ता करने के लिए टाइम नहीं है, है ना? ये सब तो एक्स्ट्रा प्यार है, रेगुलर प्यार के साथ इसे कंबाइन मत करो। ये सब कुछ आप शाम में कर लेना, अभी जाओ। ओके, गो प्लीज। गो प्लीज। तनु तनु प्लीज, प्लीज गो प्लीज तनु। बाय 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 बाय। इस बेल ने तो सारा मूड खराब किया। नमस्ते साहब, मैं काम वाली हूं। जो भी बात करनी है वो मेरी वाइफ से कर लो। तनु, मैं चलता हूं। नमस्ते मैडम। आइए, अंदर आ जाइए। मेरा नाम सरिता है, मैं घर का काम करती हूँ। पड़ोस वाली आंटी ने कहा आप लोग यहाँ नए आए हैं, आपके पास मेरे लिए कुछ काम हो तो बताइएगा। हाँ है ना, कल से काम पर आ जाओ। ठीक है मैडम। हेलो। हाँ बोलो तनु। मैंने सुबह फोन किया था और तुम अब कॉल बैक कर रहे हो। सॉरी तनु, मैं थोड़ा बिजी था। शादी से पहले मेरे पीछे पीछे घुमा करते थे, और अब मैं फोन करती हूँ तो उसका रिस्पांस तक नहीं। मैं मीटिंग में था तनु, इसलिए फोन अटेंड नहीं कर सका। चलो ठीक है, अब मुझे माफ भी कर दो। माफ तो कर दूंगी, बट ऑन वन कंडीशन। कंडीशन? आज तुम्हें घर जल्दी आना होगा। इतनी सी बात है, जरूर आऊंगा महारानी जी। हाँ तो जब आ जाओगे तो माफ कर दूंगी महाराज जी। थैंक यू। जल्दी आ जाना। हाँ, डोंट फॉरगेट, सी यू सून। ओके बाय। बाय। मैडम, केक लाई हूँ, मैंने चेक किया है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ले आई हो, ठीक है, वहाँ रख दो और अपना काम करो। ठीक है मैडम। हाँ,
मैंने तुम्हें जल्दी आने को कहा था और तुम अब आ रहे हो। सॉरी थोड़ी सी देर हो गई। ठीक है आ जाओ। कहाँ पर? पहले आंखें तो बंद करो। देखना नहीं हाँ? नहीं देखूंगा। आओ आओ दिस साइड। कम तनु बैठ जाओ। अब आंखें खोलो। वाओ हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच तनु। काम की वजह से मैं अपना बर्थडे भूल गया था। ये सब याद दिलाने के लिए मैं हूँ ना। सरिता क्या है मैडम? भरत आ गए हैं, केक कट करना है, जल्दी आओ। साहब आ गए? हाँ अभी आई। कट करो। Happy birthday to you, happy birthday dear Bharat, happy birthday to you, happy birthday। अरे सरिता कहाँ जा रही हो? अरे सॉरी एक्सक्यूज मी मैडम, ये एड्रेस कहाँ है बताएंगी क्या? नहीं पता, कोई बात नहीं। ओ हेलो, चप्पल उतारूं क्या? चप्पल से लेके क्लिप तक सब कुछ चाहिए। देगी क्या? तुझे नया चश्मा दिला दूंगा। शला हम ऑटो से चलते हैं, चलो। क्यों? इस आवारा से डर के हम लोग ऑटो में क्यों जाएं? हम बस से ही जाएंगे। बदतमीज, चलो निकलते हैं। मैडम थोड़ी देर और रुकती तो बस से जा सकती थी। क्यों भाई, कबूतर उड़ गई क्या? ऐसा नहीं है यार, कोई नया आदमी दाना डालता है तो कबूतर डर ही जाते हैं। रोज दाना डालूंगा तो लाइन पे आ ही जाएगी। अगला प्रोग्राम क्या है? लोकेशन चेंज। हे, उस लोफर से डर के हम ऑटो में से जाएंगे, ऐसा क्यों कहा तूने? थू, जब भी मैं उसे देखती हूँ तो चप्पल से मारने का मन करता है। कौन है रे तू? सुबह एक लड़की को बस स्टॉप पर तूने छेड़ा था ना, उसका मजनू हूं मैं। लैला की बात सुनकर तू मुझसे यहाँ लड़ने चला आया? तेरी खैरियत इसी में है कि तू यहाँ से एक लाफा मारूंगा ना सीधा ऊपर जाएगा। देख प्यार से समझा रहा हूं तुझे, वो मेरी जान है, उसको सताना छोड़ दे। कौन है रे ये? मेरे एरिया में आके मेरी ही बेइज्जती करके गया ये। तू जाके ब्लेड से इसके चेहरे पे रंगोली बना के आ। तूने अपनी लैला की वजह से हम लोग को इतना मारा है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। देख ले तू। Thank you.
माफ कर दो मुझे, छोड़ दो। अरे दोबारा उसे छेड़ेगा तू? नहीं 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 छेड़ूंगा, कभी नहीं। सुमन जाके दरवाजा खोल बेटी। आप ही जाके खोलो माँ, मैं जाऊंगी तो वो चिल्लाएगा। चुपचाप जाके दरवाजा खोल दे। हमेशा मुझे ही बोलती हो, शे मुझे ही परेशान करती है। ए, दरवाजा खोलने में देर क्यों लगा दी? आया बड़ा महाराजा, ये आएगा तो आरती की थाली लेके खड़ी रहूंगी। तेरी जबान बहुत चलने लग गई है आजकल। तू घर पे कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आता ना, वही खा के तेज हो गई। क्या बोली? आजकल बहुत ज्यादा बोलने लग गई है तू। हेलो मदर, बेटी को समझाना छोड़कर इस डिब्बे को देख के अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो आप? बस कितना मारोगे यार, केला तो खिला। तो फिर जाने दे। भजिया खाएगा क्या? जाने दे ना यार। बोलना बता ना। अरे छोड़ ना यार, मैं चुप रहूंगा, अब नहीं करूंगा, छोड़ प्लीज, माफ कर दे यार। आगे से ध्यान रखना। सता रहे हो इसको? चल उठना। जस्ट अ मिनट, अब देख लो। इसको कभी देखा नहीं यहाँ पे। ए भरत, तेरी लवर के पीछे जो आगे पीछे घूमता रहता है ना, वो यही लड़का है। क्या नाम है तेरा बेटा? संतोष, संतोष, संतोष। हाथ नीचे कर। मेरे बिना जिंदगी में खुशी नहीं और मेरे बिना जिंदगी में प्यार नहीं, मैं हूँ संतोष। संतोष देखो, मैं तुम्हें एक लॉलीपॉप दूंगा, चुपचाप यहाँ से चलते बनो। अरे यार तेरी लवर आ रही है। अरे क्या लट्टू की तरह घुमा रहे हो मुझे? अरे संतोष कहाँ गया? हा? अरे मैं तुम्हारे नीचे बैठा हूँ, एक बार मेरी तरफ तुम देखो तो। हा? गुरु तुम ट्राई मारोगे तो बहुत सारी लड़कियां तुमसे पट जाएंगी, लेकिन मेरी जिंदगी लैला मजनू के मजनू की तरह बन गई है। मैं सबको देखता हूँ मगर मुझे कोई लड़की नहीं देखती। भाई प्लीज एक लड़की तो मेरे लिए छोड़ दो, मुझे भी वैलेंटाइन डे मनाना है। सुनो भाइयों, ये लड़का बहुत ही कलरफुल है, थोड़ा एक्स्ट्रा कलर डाल के भेज दो इसे। चल आ जा, इसको तो हम लोग देख लेंगे, तू आज जाकर अपनी लवर से बात कर ले। नहीं यार, हम हर दिन पीछा करेंगे तो लड़कियां बहुत ज्यादा नखरे दिखाती हैं, इसलिए जाने दो। पागल हो गया क्या? गुरु लड़की चाहे कितना भी नखरे दिखाए, बस तुम हाँ कह दो, मैं दौड़ के जाऊंगा उसको अपना बना लूंगा। ए भरत ज्यादा भाव मत खा, तेरी वजह से ऐसे लोग बुरी नजर डालते हैं। ठीक है भाई, अब तू इतना ज्यादा फोर्स कर रहा है तो मुझे जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना? डार्लिंग आ जा डार्लिंग। इतना ही नहीं मोटू, अभी बहुत कुछ बाकी हो गया फिनिश। ये लो, तू भी ले, दोनों एंजॉय करो। किस लिए? ए, क्या मैं तुम दोनों को मार नहीं सकता? मैं किस लिए मार खा रहा हूँ जानते हो? वो क्या है कि मैंने बहुत सारे पार्लर में बॉडी मसाज करवाई है, लेकिन किसी ने भी तुम्हारी जितना अच्छा नहीं किया। वैसे मैं एक बार मसाज करवाने के 400 रुपए देता हूँ, लेकिन क्या है कि तुम दोनों ने मेरी बॉडी मसाज करने के बहाने मेरे पूरे कपड़े ही फाड़ दिए, इसलिए मैंने 400 में से 200 रुपए कट कर दिए। अब जाओ और एंजॉय करो। क्या से क्या हो गया, मेरी हालत क्या हो गई? बाबा, अरे समझ गया भाई। ओ बाबा बहुत मारा रे। अरे भाई हमारा जो भी बैलेंस था सब क्लियर कर दो। कौन है ये लोग? इन्हें देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है, जब भी देखो हमारा पीछा ही करते रहते हैं। मुझे तो एक डाउट हो रहा है, हम इनका पीछा कर रहे हैं या ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। सुनो, अगर वो लड़का आके तुमसे बात करे ना, तुम बिल्कुल बात मत करना, वो लड़का सही नहीं है। बिल्कुल क्या बात है, मेरी तारीफ चल रही है। चलो यार जल्दी यहाँ से, पागल आ गया हमारे पीछे, ये तो मेरी बात भी नहीं सुनती है।